अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ नियर बाय काशी बीच, नांदगांव बीच और मुरुड जिंजरा के पास में रिजनेबल प्राइस में रूम्स। तो चलो गाइज, वीडियो एंड तक देखना आप, और अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आपके कुछ वीकेंड्स के प्लान है अलीबाग या काशिद बीच तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। तो ये है गार्डन एरिया और रूम काफ़ी रिजनेबल प्राइस में रूम अवेलेबल है और एयर कंडीशन विद एयर कंडीशन रूम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही पूरा गार्डन एरिया, तो वीडियो एंड तक देखना। तो यहाँ के रूम से कुछ तो रूम के बारे में भी दिखाता हूँ, तब तक मैं आपको पूरा गार्डन एरिया दिखाता हूँ। आप यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर लेके आ सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपको गार्डन एरिया दिखाता हूँ, उसके बाद रूम दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग रुके थे। तो गार्डन एरिया देखो, काफ़ी बड़ा गार्डन एरिया है। और अब हम दूसरे एंगल से ले रहे हैं, हम सामने थे और अभी इस साइड आ गए, तो पार्किंग एरिया भी है और काफ़ी बड़ा गार्डन एरिया है। तो आप देख लो गाइस। तो अब हम जा रहे हैं रूम्स के अंदर, ये है रूम्स की एंट्री और लेके चलते रूम के अंदर। यहाँ पर साइड में लिखा है नांदगांव बीच पर्यटन संस्था। तो अब हम जा रहे हैं रूम्स के अंदर, वेलकम टू होम। तो बाकी के यहाँ पर कस्टमर आए तो हम जाते हैं एक रूम में। तो यहाँ पर जाते हैं, ये है टॉयलेट बाथरूम, जो गर्म पानी की भी सुविधा है। सामने है टीवी, ये है पूरा हॉल, एक है बेड, ऊपर है एसी। तो रूम काफ़ी बड़ा है और व्यू दिखा था, विंडो के बाहर का जो व्यू आता है वो व्यू देख लो आप। तो काफ़ी अच्छा रूम है, सामने का नज़ारा भी अच्छा है। यहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हो कुछ भी जो आपकी ऑर्डर होगी वो, और रूम देख लो। तो अब आते मेन एंट्री, मेन गेट। यहाँ पर भी कुछ गार्डन एरिया है, यहाँ से भी एंट्री। तो अभी हम जाते हैं ऊपर, ऊपर भी कुछ रूम है, वहाँ के रूम दिखा देता हूँ और ऊपर से जो व्यू दिखता है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटी बालकनी भी है, तो यहाँ पर आप फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ बैठकर चिल कर सकते हो। और यहाँ पर एक रूम, तो अंदर साफ़ सफाई का काम चल रहा है, टॉयलेट बाथरूम बाजू में है और यहाँ से व्यू दिखता है पूरा नीचे का। तो देख लो आप, और ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है। अभी हम जाएंगे नीचे से और नीचे से भी दिखाएंगे आपको। नीचे भी एक गार्डन एरिया दिया है, यहाँ पर बारबेक्यू कर सकते हो और बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह सब कुछ मिलता है, बनाकर भी देते हैं। तो अब हम जाते हैं बाहर की साइड, मेन एंट्री। यहाँ से पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा एरिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर की साइड, बैक साइड से दिखाता हूँ पूरा। निसर्ग बंगलो टूरिस्ट होम, तो ये मेन गेट और रोड से नज़दीक है, मेन रोड से नज़दीक है। आपकी फोर व्हीलर या टू व्हीलर कीजिए आ सकती है और जा सकती है, काफ़ी बड़ा रोड है आजू बाजू भी। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, ऊपर की साइड भी टू रूम्स है, तो काफ़ी अच्छे हैं, बालकनी एरिया भी है। तो ऊपर के रूम देख लो आप, ऊपर के रूम काफ़ी बड़े हैं, पर यहाँ पर अभी कस्टमर आए हुए तो ऊपर के रूम्स में नहीं दिखा सकता, सिर्फ बाहर का जो स्पेस है वही दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप देख लो। आप यहाँ पर आराम के साथ चिल कर सकते हो और यहाँ से व्यू देख लो आप। तो काफ़ी अच्छा ये बंगलो है, यहाँ का बेस्ट मतलब खाना देखो, हाथों से चावल की रोटी बना रहे हैं, मतलब तांदळाची भाकर ती हातानी बनवता है। कई ठिकाणी मशीन का यूज़ करता, मतलब कई ठिकाणी मशीन से रोटी बनाते हैं और यहाँ पर हाथों से बना रही है। और यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है, नॉनवेज बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मतलब एक घर के जैसा माहौल है यहाँ। और ये वेज थाली है,